अरशद कनंग लिराजे कसान मुश्ते अपद उसे च पेश न चुमा गप कनी गए थे मुफ्ती साहब हुमा और बाजे कैसे सरपदी है मजदूर थे और आइए छे अबीद ये सरहाल हम कंटिन्यू करें मगर मैं कह रहा चुके वजबत कुशोक हम सारियन तो पेश है कैसे वजबत कुशो करने मगर हमें और वशी वजबत हम गोश्तारे ने ताकि ये मरागेश है कैसे वशी चनब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिक्र असकारे गुमा देमा बुरो मैं गुमा अवली के मेहमान या अवली कैसे वजबत कुशोक के सारियन मैं गुमा आप सराबिया मानो का वशत कन के बराशता कैद का बाहर जुड़ता और गुमा हमरा दार करने गए अलीशा मोहसिन मानो का हम वशत कन के बराशता कैद का बाहर जुड़ता रविती मेहमान ने मगा आया वशत हम कने और कोशिश करें कि वाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिक्र अस्कार बुलंद करें चाय नहीं तवारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से? खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में और जुम्मे का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आप ज़रा अभी आपकी तरफ पहले आऊँगी, कौन सी जनात आप पढ़ के सुनाएंगे सबसे पहले? जी ज़रूर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इश्क के नबी मेरे दिल करा जाना
इश्क कभी मुझको नींद सी सुला जाता, ऐ इश्क कभी मुझको नींद सी सुला जाता। मुझको भी मोहम्मद का को भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। मुझको भी मोहम्मद का बाज़ वशी तवारा वानका कैसी मरा होती वशी तवारा वजबत गुजदारें तो माकाई होती सरहाल ने मगा इस्लाम और इंसानी हुकूक के बाबत तब गप कर गए थे मुफ्ती साद उमा और मादा पदक कैसे मुफ्ती साहब ने मगर रवी और बबुतरा ने रिदा बर्जदारी के कुरान और अहदी से रोशनियाँ कैसे मैं दीन कैसे ची गुशी इंसानी हुकूक के बाबत जी मुफ्ती साहब आपकी तरफ आएँगे और कुरान और हदीस की रोशनी में आप बताएं कि इंसानी हुकूक के हवाले से हमारा दीन क्या कहता है और अगर कोई हक तलफी करे तो उसके लिए क्या सजा है। देखें, इस सिलसिले में कुरान हमीद और फुरकान मजीद की तरफ जब हम देखते हैं तो वाज़ और बजीन आयात मौजूद हैं कि जिनसे जिनका मुताला करके हमें मालूम होता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने क्या मकाम और मर्तबा बख्शा है। इस सिलसिले में जब हम कुरान पाक का मुताला करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप यूँ देख लीजिए आयत जो कुरान पाक की मिलती है कि वलकद करम न बनी आदम। आज अगर कोई बड़ा बंदा हो, कोई वज़ीर आज़म हो या कोई दौलतमंद शख्स हो, अहले इक्तदार हो, मनसब वाला हो, वो किसी को कोई इज़्ज़त दिलवाए और कहे कि मैंने इसे इज़्ज़त दी है तो लोग बड़ी इज़्ज़त की निगाह से उसे देखते हैं कि बड़े बंदे ने इसकी तारीफ़ की है कि मैंने इसे इज़्ज़त दी है। और बादशाहों का बादशाह कहता है वलकद करमना बनी आदम, जान लो कि मुझ रब ने हमने इंसान को इज़्ज़त बख्शी है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी अजमत बख्शी है और शर्फ बख्शा है कि अशरफुल मखलूकात बनाया। फिर दूसरी आयत की तरफ जब हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लकद खलकनल इंसान फ़ी अहसनी तकवीम। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तहकीक इंडीड वेरीली नो डाउट, कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि लकद खलकनल इंसान, हमने इंसान को तख्लीक किया। मालिक कैसा तख्लीक किया? फ़ी अहसनी तकवीम, सबसे बेहतरीन साख्त पर तख्लीक किया है। कितना एतदाल और तवाजुन के साथ इंसान को बनाया, ज़रा इसके हुस्न को कोई देखे तो सही। अगर इसकी आँख की जगह इसके कान लगा दिए जाएँ और इसकी नाक की जगह इसके जो है लब लगा दिए जाएँ तो फिर ये कैसा चेहरा लगेगा? लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं फरमाया, अल्लाह ने ऐसा पैदा ही नहीं फरमाया इंसान। हर चीज़ अपनी जगह बड़े तवाजुन के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक फरमाया। फिर इंसान को जो शर्फ और इंसान के हुकूक की जब हम बात करते हैं तो खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर जब आप देखते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम अपनी पूरी तालीमात का खुलासा कर रहे थे, पूरी ज़िंदगी का निचोड़ नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा में देना था और लाखों सहाबा की तादाद मौजूद थी उस वक्त में, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर, किसी गरीब को किसी अमीर पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। फौकियत और बरतरी की सिर्फ एक रीज़न और एक वजह होगी और वो वजह ये होगी कि जिसका तकवा जितना ज़्यादा होगा अल्लाह के नज़दीक वो उतना ही मोतबर हो जाएगा। तारीख़ इंसानी और तारीख़ आलम का मुताला कर लेने के बाद ये बात पता लगती है कि पूरी तारीख़ इंसानी में ये पहली मरतबा हुआ कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को यकसर कर दिया और एक जैसा कर दिया, अमीर गरीब गोरे काले सब का फ़र्क मिटा के इंसान को एक जो है हम असर कर दिया कि ये इंसान एक हैसियत है, अल्लाह ताला ने इसे इंसान बनाया। अच्छा, अब नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अलमुस्लिमु मन सलीम अलमुस्लिमु ना मिल लिसानी ही व यदी ही औकमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इंतहाई अहमियत के हामिल हदीस मुबारक है कि मुसलमान की तारीफ़ क्या है,
मैं और आप बयान करें तो शायद घंटों लग जाए। नबी इस्लाम ने एक जुमले में मुसलमान की तारीफ बताई और फरमाया, मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो आज जिस उनवान पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जो हमारा मौजू सुखन है उससे रिलेट करती है हदीस मुबारक, कि आज इंसान की ज़बान और मुसलमान से क्या उसका दूसरा भाई और बहन महफूज है या नहीं, तो आज हम किस पस्तियों और पसमानदगियों की तरफ चले गए, हमें गौर करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं करूँ बहुत ही अहम और आखिरी बात इस जवाब की मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब भी हम इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं और इंसान के हुकूक़ के इलम बरदारों ठेकेदारों की बात करते हैं तो हम सारा क्रेडिट जिसे देते हैं, हम कहते हैं कि ये जो मगरब है इसने इंसानी हुकूक़ की तंजीमें चलाईं और इसने इंसानी हुकूक़ की बात की। तो जान लीजिए ये मगरब जो बात करने वाला है ये आज 14वीं सदी में बात करता है और 1450 साल बात करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 1450 साल पहले ही इंसान के हुकूक बयान फरमा दिए थे। और न सिर्फ इंसान के हुकूक बल्कि मेरा दीन तो ऐसा दीन है और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ऐसा फरमान है कि नबी इस्लाम ने तो रास्तों के हुकूक बयान फरमा दिए और नबी इस्लाम ने जानवरों के हुकूक भी बयान फरमा दिए। बेशक बेशक, और हमारे दीन ने हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, बशर्ते ये कि हम दीन पर पाबंद तो रहें, लेकिन जहाँ बात पाबंदी या दीन की तरफ रागिब होने की आती है वहाँ हम सोए रहते हैं, वहाँ हम अपने कान बंद कर देते हैं। महाराज हक तलफी की भी बात की मुफ्ती साहब मैंने, कि जो हक तलफी करे तो उसके लिए क्या अज़ाब है? ये बहुत अहम सवाल है। अगर हम इतने हुकूक बयान कर रहे हैं कि कुरान हदीस में आए तो फिर इसकी जिसकी जितनी अहमियत होगी उसके तर्क करने पे उसकी सज़ा भी उतनी बढ़ जाती है। जैसे नमाज सिंपल है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहमियत है तो इसके तर्क पर उसका अज़ाब भी उतना ही है। अब अगर इंसानी हुकूक की अहमियत इतनी है तो इसका अज़ाब कितना होगा? बहुत ही सादा हदीस मुबारक मुख्तसर करके अर्ज करता हूँ, मैं पता लग जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी इस्लाम ने साहबा से पूछा, ऐ मेरे साहबा बताओ गरीब कौन है? जो मेरा आपको आपके जहन में सवाल आना था और जवाब आना था वही साहबा ने अर्ज कर दिया। कहा हुजूर हमारे माशरे में गरीब उसे कहते हैं जिसके पास दिनार ना हो, दिरहम ना हो, पैसा ना हो। नबी इस्लाम ने फरमाया नहीं, वो गरीब नहीं है, गरीब वो शख्स है जो महशर में बड़ी नेकियां लाएगा और अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा और उसके दिल में ये गुमान आएगा कि शायद मैं बख्शा गया, नेकियों का तो पहाड़ है मेरे पास। फिर एक शख्स आएगा कहेगा मालिक आज तेरी हुकूमत है, आज तेरी अदालत है और तू कहता था लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, तूने कुरान में कहा कि रब्बे कहार की हुकूमत आएगी, आज तेरी हुकूमत और तेरी अदालत सजी है, मैं इंसाफ मांगने आया हूँ, क्या चाहिए? मालिक इसने मुझे गाली दी थी, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। नबी इस्लाम ने फरमाया ये शख्स जो नेकियों का पहाड़ लाया था इसकी नेकियों में सिर्फ कुछ नेकी उसकी गाली के बदले दे दी जाएंगी। दूसरा शख्स आएगा मालिक इसने मेरी इज्जत को तार तार किया, मेरे तकद्दस को पामाल किया, इसने मेरी इज्जत को सरे बाजार नीलाम किया, हर एक अपना आके जो है शिकवा करेगा मालिक इसने मेरे साथ ये ज्यादती की, मालिक इसने मेरे साथ ये ज्यादती की, उसकी सारी नेकियां नबी इस्लाम ने फरमाया इस तरह खत्म हो जाएंगी। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया ऐ मेरे साहबा मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अब साहबा हैरान कि नेकियां खत्म हो गई अब क्या होना है? कहा अभी और लोग आएंगे। तो कहा फिर क्या होगा? कहा अब यह होगा कि उनके जो गुनाह होंगे वो इसके नाम अमाल में डालना शुरू कर दिए जाएंगे। ये शख्स है गरीब, ये शख्स गरीब है असल में। तुम ये समझते हो जिसके पास दौलत ना हो, पैसा ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, वो गरीब है? कहा नहीं, असल गरीब वो है जो महशर में नेकियां लेके जाए और ऐसे अल्लाह के बंदों के साथ उसने ज्यादतियां की हो, उनकी हुकूक तलफी की हो, तो वो महशर में उसका गिरबान पकड़ेंगे और अल्लाह ताला इंसाफ दिलाएगा, इसकी नेकियां उनके नामा अमाल में डाल दे, उनके गुनाह इसके नामा अमाल में डाल देगा। अब इस हदीस के तनाजुर में सोचें, आज जिन मासूम बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं क्या वो कयामत के दिन खड़े नहीं होंगे महशर में? क्या ज़ैनब खड़ी नहीं होगी? क्या जो और बच्चियां जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं वो खड़ी नहीं होंगी? मोटरवे वाली माँ और खातून खड़ी नहीं होगी? वो महशर में खड़ी होगी रब के आगे और कहेगी मालिक आज तेरी हुकूमत है, आज तेरी अदालत है, रब ने कहा मुझे इंसाफ चाहिए और रब इंसाफ देगा। और उसकी नेकियां तो हो ना हो वो जो आज ही पता लग रहा है उसके नाम अमाल में क्या नेकियां होंगी, लेकिन इसके गुनाह फिर अल्लाह ताला उसके जिम्मे में डाल देगा और उसके जहन्नम रसीद कर देगा। अल्लाह अकबर। खुदा ताला हम सब पे रहम फरमाए और वो शख्स जो ऐसे गुनाहों में मुलव्वस है उनको खुदा ताला हिदायत दे और जो गुनाह और उसके गुनाह करने के बाद जो सज़ा के हकदार हैं खुदा ताला उनको उनकी सज़ा ज़रूर दिलवाए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान या आज जो है वो आलम इंसानियत में सभी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब तक हुकूमत के हवाले से अगर हम कहें तो हर बार ही ऐसा होता है। ज़ैनब के अगर केस की बात की जाए तो अब तक ये केस क्यों डिस्कस होता है? उसके बाबा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमते ही रहे कि भाई सरे आम फांसी दी जाए, सरे आम फांसी दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। आज भी ज़ैनब का कातिल जेल में सड़ रहा है, क्यों नहीं दी गई सरे आम फांसी? और उसके बाद कितने ही ज़ैनब जैसी पूल जैसी बच्चियाँ मरवा, रिसेंट केस में अगर हम देखें 12 साल लाइबा और वो खातून जिसको बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया,
खुदा ताला हम पे रहम फरमाए और हमसे राज़ी और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। यहाँ हम अलीशा की तरफ बढ़ते हैं, निशाद की तरफ आएंगे। आप कौन सी नात सुनाएंगे? टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अजल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह पुकारो, या रसूल अल्लाह, या मुझे है क्या परेशान हो, किधर से जाके मांगूं मैं, मुझे है क्या परेशान हो, किधर से जाके मांगूं मैं, खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा, है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा, के दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। और मेरे रास्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है टकरा कर, मेरे रास्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है टकरा कर, के देते हैं मुझे मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। और दुआ भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत मुबारक दिन है। तो शायर कहते हैं कि मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन का सदका, मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन का सदका, मेरी नस्लों को भी करना टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, तेरा दामन
कभी अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, कि देते हैं तुझे आली या टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अजल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। माशाल्लाह, बेशक वो कुल्ले दुनिया कुल्ले ज़माना कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सद क्या कैसे ये दुनिया हमारा रास्ता, तो बेशक मावाज ब्लेस्ड है मबास लगी इस्टे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्मत है। देखा सानी उश्ते वालिद का राज उश्ते निमगर में पदक आए साइड में किचन साइड में टेगुमा मैं घुमा भी बैठ।